हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर इस तरह की आल सोशल मीडिया अकाउंट डीपीस काफ़ी वायरल हो रही है। तो चाहे आप बॉय हो या गर्ल हो, आप भी अपने नाम के साथ इस तरह की डीपी बनाना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इस वीडियो में मैं आप सबको इस तरह की इमेजेस जनरेट करना सिखाऊंगा। आपने क्या करना है कि वीडियो को इन तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो में मैं जो भी प्रॉम्प्ट यूज़ करूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने मोबाइल में आपने क्रोम को ओपन करना है। जैसे आप क्रोम को ओपन करेंगे, आपने सर्च में लिखना है बिंग इमेज क्रिएटर। सर्च में आपने लिख देना है बिंग इमेज क्रिएटर। इसी तरीके से जैसे आप ये लिखेंगे, सर्च करेंगे, फर्स्ट नंबर जो वेबसाइट नज़र आ रहा है आपको, इसको आपने इसको लॉगिन करना है। अगर आप न्यू यूज़र है, फर्स्ट टाइम इसको सिग्न इन कर रहे हैं, यानी फर्स्ट टाइम लॉगिन करना है, तो आपने माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनवा के इसको लॉगिन करना है। आपने अकाउंट बनवाना है। जब तक आप अकाउंट नहीं बनाएंगे आप इसको लॉगिन नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अकाउंट बना के इसको लॉगिन करेंगे आप, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं, यानी कि आपको जिस किस्म की इमेजेस चाहिए आपने यहाँ पर वो प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं। ध्यान रहे कि आप अगर यहाँ पर सही सही प्रॉम्प्ट्स लिखेंगे तो सही इमेज जनरेट होगा, अगर गलत लिखेंगे तो इमेज सही जनरेट नहीं होगा। इसलिए आपने यहाँ पर सही सही प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं। मैंने पहले से लिख कर रखा है, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। आपने अपना नाम चेंज करना होगा। तो आप यहाँ पर जैसे ये लिखेंगे तो उसके बाद आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद 15 सेकंड वेट करेंगे। 15 सेकंड के बाद देख सकते हैं हमारी कितनी रियलिस्टिक और अमेजिंग हम इमेजेस तैयार हो चुकी है। मैंने यहाँ पर जो कुछ भी लिखा था उस किस्म की इमेजेस जनरेट हो चुकी है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपको इसमें से जो इमेज पसंद आए आपने सिंपल उस इमेज पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे फिर साइड में 3 डॉट नज़र आ रहा है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएगी आपके पास। तो आपको जो इमेज भी डाउनलोड करना है आपने उस पर क्लिक करना है, फिर 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी इसी तरीके से। और अगर फ्रेंड्स आपके साथ इस इमेजेस में सही इमेज सही से जनरेट ना हो तो आपने अपना नाम भी यहाँ पर ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो फिर क्रिएट पर क्लिक करेंगे, फिर 15 सेकंड वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स 15 सेकंड के बाद देख सकते हैं हमारी 4 मजीद इमेजेस जनरेट हो चुकी है। कितनी रियलिस्टिक और अमेजिंग इमेजेस जनरेट हो चुकी है। तो अगर आपने इसमें से जो इमेज डाउनलोड करना है आपने सिंपल उस इमेज पर क्लिक करना है, फिर साइड में 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से आपने साइड में सेव करना है, फिर 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से आप जो इमेज डाउनलोड करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करना है, फिर 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। अब अगर आप ये अभी बॉयज़ की अभी अगर आप यहाँ पर गर्ल्स के लिए बनाना चाहते हैं तो इसी में इस तरह से एडिट मतलब इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बॉय की जगह गर्ल लिख देता हूँ और जोया का नाम लिख देता हूँ। फिर क्रिएट पर क्लिक करेंगे, फिर 15 सेकंड वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स 15 सेकंड के बाद आप देख सकते हैं हमारी गर्ल्स के लिए इमेजेस भी जनरेट हो चुकी है, अमेजिंग और रियलिस्टिक। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने इसमें से जो इमेज डाउनलोड करना है सिंपल उस पर क्लिक करना है, फिर साइड में 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से साइड में सेव कर देना है, फिर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से आप जो इमेज डाउनलोड करना चाहते हैं आपने उस पर क्लिक करना है, फिर 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आप इस फॉर्म में कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं। मैं इस फॉर्म को कट कर देता हूं, मेरे पास एक और फॉर्म है, मैं वो यहां पर पेस्ट कर देता हूं। ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। तो मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं, अगर आप अपना नाम इसमें चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अगेन हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे, फिर 15 सेकंड वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स 15 सेकंड के बाद देख सकते हैं कलरफुल, मैंने यहाँ पर जो कुछ भी लिखा था सेम उसी तरह की कलरफुल इमेजेस जनरेट हो चुकी है, अमेजिंग और रियलिस्टिक का। तो इस तरह से अगर आपने इसमें से कोई भी इमेज डाउनलोड करना है तो आपने क्या करना है कि सिंपल उस इमेज पर क्लिक कर देना है, फिर साइड में 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करें, डाउनलोड हो जाएगी। फिर साइड में सेव करना है, फिर 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से आप जो इमेज डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है, फिर 3 डॉट पर क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपकी इमेज सही से जनरेट ना हो या आपका नाम सही से ऐड ना हो तो आपने अगेन क्रिएट पर क्लिक करना है और 15 सेकंड वेट करना है। तो 15 सेकंड के बाद आप देख सकते हैं आपके मजीद 4 इमेजेस तैयार हो जाएगी, जनरेट होकर आ जाएगी। तो आपने क्या करना है कि आपने इसमें से जो इमेज डाउनलोड करना चाहते हैं आपने सिंपल उस इमेज पर क्लिक कर देना है, फिर साइड में 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से आप इसमें फ्रॉन्ट में चेंजिंग भी कर सकते हैं। अभी ये बॉयज के लिए था, अभी यहाँ पर मैं गर्ल्स लिख देता हूँ, बॉय को कट कर देता हूँ, मैं गर्ल लिख देता हूँ। तो इसी तरीके से मैं नाम भी चेंज करता हूँ, गर्ल्स का नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर जोया लिख देता हूँ। फिर नीचे भी जितने बार इसमें बॉय लिखा है मैं उसको हटा के गर्ल्स कर देता हूँ। फिर अगेन क्रिएट पर क्लिक करेंगे और 15 सेकंड वेट करेंगे।
तो फ्रेंड्स 15 सेकंड के बाद हमारी गर्ल्स की भी अमेजिंग और रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट हो चुकी है। मैंने जो कुछ भी लिखा था यहाँ पर सेम उसी तरह की इमेजेस जनरेट हो चुकी है। तो आपने अगर डाउनलोड करना है तो सिंपल उस इमेज पे क्लिक कर देना है, फिर साइड में 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से आपने साइड में स्वेप करना है, फिर 3 डॉट पे क्लिक करना है, डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। आपने जो इमेज डाउनलोड करना चाहते हो उस पर क्लिक करना है, फिर 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस प्रॉम्प्ट में कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें नाम चेंज कर देता हूं, सारा सना लिख देता हूं, फिर क्रिएट पे क्लिक करेंगे, फिर 15 सेकंड वेट करेंगे। 15 सेकंड के बाद हमारी मजीद इमेजेस जनरेट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितनी रियलिस्टिक और अमेजिंग इमेजेस जनरेट हो चुकी है। तो आपने क्या करना है, जो इमेज आप डाउनलोड करना चाहते हैं आपने क्या करना है कि उस इमेज पे क्लिक करना है, फिर साइड में 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से आप साइड में स्वेप करना है, फिर 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो पहले से कमेंट और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।